नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में अपना नामांकन करने के बाद पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड को मथेंगे। PM 3 दिन में 14 लोकसभा सीटों के लिए जनसभा और रोड शो करके माहौल गरमाएंगे। भाजपा की ओर से तैयार कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री नामांकन के बाद 16 मई को वाराणसी से सटे भदोही, जौनपुर और मछलीशहर सीट के साथ प्रतापगढ़ और लालगंज सीटों पर भी प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले TD कॉलेज में जौनपुर और मछलीशहर सीट की संयुक्त सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद भदोही के ज्ञानपुर में और प्रतापगढ़ के GIC ग्राउंड में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर PM निजामाबाद में लालगंज और आजमगढ़ सीट की संयुक्त सभा करेंगे। PM 17 मई को भी UP के दौरे पर रहेंगे। इस दिन वह बाराबांकी के जैतपुर विधानसभा क्षेत्र में बहराइच कट के पास बाराबांकी और मोहनलालगंज सीट की संयुक्त सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद एयरपोर्ट पॉइंट GT रोड के पास फतेहपुर, कौशाम्बी और बांदा सीट के लिए आयोजित संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी क्रम में PM राठ के ब्रह्मानंद इंटर कॉलेज मैदान में हमीरपुर, जालौन और झांसी सीट के लिए संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज अमेठी सीट से पार्टी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के समर्थन में जनसभा करेंगे। नड्डा अमेठी के कोरवा मुंशीगंज स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले नड्डा वाराणसी में PM मोदी के नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।